नीट को लेकर लगातार जो है वो बहस चल रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट में नीट का मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 4 नंबर का ग्रेस दिया गया है वो ग्रेस वापस लिया जाता है और अब 23 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होगी और 30 जून को उसका रिजल्ट आएगा। तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 4 नंबर जो ग्रेस के वापस लेने की बात कही गई है, 1563 छात्रों का एग्ज़ाम दोबारा होगा, काउंसलिंग टाइम पे होगी, 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या समझते हैं? मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिकॉज क्या है कि 1563 बच्चों का अगर सिर्फ मतलब मैटर होता तो रैंक जो थी 1563 या 2000 तक बढ़ जानी चाहिए, चलो दिखता है, लेकिन यार 20 से 25 हज़ार रैंक एक साथ बढ़ रही है, इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए ना। और आप बिल्कुल भी पेपर लीक मामले को देख ही नहीं रहे, आप पेपर लीक को मान ही नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि पेपर लीक भी हुआ है, जबकि पेपर एक ह्यूज अमाउंट पर लीक हुआ है, मतलब पटना में कसकी पेपर लीक हुआ। जब हमने एनटीए और डायरेक्टर से बात को बोला कि सर पेपर लीक का आप क्या समझते हो, बोला जैसे छोटी मोटी ह्यूमन एरर, हमने कहा सर ये छोटी मोटी ह्यूमन एरर नहीं है, बहुत बड़ी है। मतलब आपने एनटीए के डायरेक्टर से आपने खुद बोला था ये बात, और उन्होंने क्या बोला? बोला कि ये छोटी मोटी ह्यूमन एरर हो जाती है, हमने कहा सर ये छोटी मोटी ह्यूमन एरर नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि मतलब हमने पटना में इन्वेस्टिगेशन कराया है तो आप बताइए कितने, गेस कीजिए कि कितना बच्चा वहाँ 720 out of 720 लाया होगा। तो हमने कहा एक बच्चा, तो बोले हाँ सही आंसर एक बच्चा लाया, तो मैंने कहा तो फिर वहां अगर पेपर लीक हुआ तो बहुत सारे बच्चों को 720 आने चाहिए, दोनों ने ये बोला। तो हमने कहा सर अगर आपको अभी पूरा पेपर दे दिया जाए तो आप 720 out of 720 नहीं ला पाएंगे, लेकिन आप नंबर तो बढ़ा सकते हैं ना उससे, अगर पेपर लीक हो गया बच्चे का 10 नंबर भी बढ़ना है तो कौन सी छोटी चीज है, और वहां तो 100 200 नंबर बढ़ रहे हैं तो फिर तो बहुत बड़ा घपला हो रहा है ना। देखिए आपने जो हाथ में रिनीट का जो ये पोस्टर लिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दोबारा रिनीट होगा, तो इससे अब दिक्कत किस चीज की? हमें दिक्कत सिर्फ रैंक इन्फ्लेशन की है, और जो हम चाहते हैं, जो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिमांड है वो है स्टे ऑन काउंसलिंग एंड सेकंड थिंग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज मस्ट एंड नेसेसरी। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पे कहा कि कोई धांधली, कोई किस तरीके का कोई भ्रष्टाचार, कोई पेपर लीक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा। सो वी डिमांड इन्वेस्टिगेशन, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी सो हाउ कैन वी से, और पटना पुलिस ने जो जुडिशियल कस्टडी में उनको ले रखा है उन्हें या तो बेल दे दीजिए अगर उनकी कोई गलती नहीं है, तो अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो आप उन्हें बेल दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं? आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज वो एक छोटा सा मैटर उन्होंने सॉल्व कर दिया है, ग्रेस मार्क्स का जो 1563 बच्चों का इशू था वो सॉल्व हो गया है, पर अभी हम स्टूडेंट्स 24 लाख बच्चे हैं, हमें भी अपने इशूज रिसॉल्व कराने हैं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इरेगुलरिटीज बाकी हैं पेपर में। जैसे क्या क्या इरेगुलरिटीज है? सबसे बड़ा इशू है पेपर लीक, उसके बाद जिनके स्कोर कार्ड्स मैच नहीं हुए, कई लोगों की OMR फटी हुई मिली है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी डेली हमें सोशल मीडिया से देखने को मिल रही हैं, रोज़ रोज़ पता चल रहा है, बच्चे आगे आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। अभी किसी के पेरेंट्स आए थे जिनकी OMR शायद उनको फटी हुई मिली है, वो NTA के ऑफिस से ही आए थे, तो ऐसा कुछ हर जगह इश्यूज हो रहे हैं, ये सारी छोटी मोटी रेगुलरिटीज़ हैं, बट जो मेन इशू है वो पेपर लीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कह दिया कि रिनीट दोबारा होगा, पेपर दोबारा होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है वो काउंसलिंग होगी, लेकिन जो बच्चे हैं उनका ये कहना है कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनकी जो मेन जो दिक्कत है वो पेपर लीक को लेकर है। एक और छात्र हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास है। कौन सा अटैम्प्ट था? फोर्थ अटैम्प्ट। कितने नंबर आए? 629 आए। तो ये बताइए कि जिस तरीके से बताया कि पेपर लीक का मामला आपका मुद्दा है, तो आज जो जो सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं सर, बिल्कुल हमें संतुष्टि नहीं है उस चीज़ से, बिल्कुल भी नहीं है जी। तो क्या चाह रहे हैं फिर? हम चाहते हैं सबसे पहले CBI जांच हो, उसके बाद में जितने भी बच्चे हैं, टोटल जितने बच्चे हैं, उन सबका रिनीट होना चाहिए। तो रिनीट के लिए तो कह दिया 1563 बच्चों को? सर 1563 का मामला नहीं है ना, यहाँ पर 24 लाख बच्चों का मामला, उन 1563 से इतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, कैंडिडेट बढ़ते हैं, हर साल इस तरीके से तो रैंक नहीं बढ़ती, तो इस बार जो है रैंक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 650 वाला बच्चा भी सेफ नहीं है, जो बच्चा 620 पे अपने आप को सेफ समझता था वो, उसे उम्मीद ही नहीं है कि उसे कोई GMC मिल पाएगा। तो अब ये बताइए कि अब आप आगे क्या 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 कहेंगे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो आज का जो मैटर है ये पेपर लीक को लेकर नहीं था, ये रिनीट को लेकर जो आज का मैटर पूरा था, और जो बाकी जो 2 मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जो जवाब मांगा गया है। सर जवाब मांगा गया, लेकिन NTA से अगर सवाल पूछेंगे और जवाब मांगेंगे तो NTA अपने पुराने ही जवाब दे देता है बार बार कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, हमने इन्वेस्टिगेशन कराई है। NTA खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो कैसे बता दे कि उसके थ्रू पेपर लीक हुआ है, वो तो नहीं बताया गया ऐसे। तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? सर हल सिर्फ सबसे पहले CBI जांच होनी चाहिए NTA की।
देखिए सीबीआई जांच होनी चाहिए एनटीए की, और अब आप देख सकते हैं कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा मैटर था उसके बाद भी अभी जो बच्चे हैं वो अभी भी जो प्रदर्शन यहाँ पे जंतर मंतर पे कर रहे हैं, उनके जो जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज, आप भी, आपने भी रिनीट दिया था? कितने 620 कौन सा अटेम्प्ट था? फोर्थ अटेम्प्ट। अनुज, ये बताओ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं, क्या उससे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, वो 1500 में कितनी 1500 रैंक ऊपर चली जाएगी उससे, तो जहाँ 40,000 रैंक का फर्क आ रहा है 1500 में क्या ही होगा उसमें। तो आप क्या चाहते हैं? दोबारा पेपर होना चाहिए। दोबारा पेपर के लिए तो बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो 1563 बच्चों के लिए दोबारा बोला? नहीं, सबके लिए दोबारा होना चाहिए ना, 1500 में तो कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए होगा तो मतलब फिर दोबारा हो तो जो पहले रैंक जाती थी, जैसे मेरे 620 पे 18,000 रैंक गई थी पिछले साल, तो इस बार मेरी 58,000 है। तो जी आप ये बताइए, क्या इतने बच्चों का पेपर दोबारा होना क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि 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 काउंसलिंग का भी टाइम नज़दीक ही है। हाँ, तो काउंसलिंग को रोकना चाहिए ना, और पेपर होना पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेट हो चुका है, क्योंकि अभी कोरोना टाइम पे ही सितंबर में अगस्त में पेपर हुआ है, तो अगर 2 महीने बाद पेपर करा लोगे तो भी तो काउंसलिंग टाइम पे हो जाएगी, तो भी कोई सेशन लेट होने वाला नहीं है। लेकिन वो कहना कि 1563 बच्चों के 4 नंबर कम कर दिए गए हैं, और अब वो जो उनके एक्चुअल नंबर थे वही नंबर हैं, और अब पेपर होगा दोबारा, और जो नंबर आएंगे उन्हीं को आपको कंसिडर करना होगा। लेकिन जो पेपर लीक हुआ है उस पर तो आप बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं ना, अगर पेपर लीक हुआ है उस बात पे भी देखना चाहिए ना आपको। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं कि आज कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं, कोई किसी तरीके कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। फिर आपने वो 12 लोगों को क्यों पकड़ रखा है पटना में? क्या उनको बेवजह बंद कर रखा है क्या? वो लोग जो बेल चाहते हैं उनको बेल क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि उनसे बोला गया कि आपने पेपर लीक किया इसलिए आपको बेल नहीं मिलेगा। लाखों बच्चों का दोबारा पेपर लेना क्या पॉसिबल है? बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है? जब वो एक बार लेना पॉसिबल है तो दोबारा लेना भी पॉसिबल है। लाखों बच्चे हैं। सो व्हाट, हर साल जेई का पेपर 2 बार होता है, नॉर्मली 2 बार होता है, और जब यहाँ पे इतनी इरेगुलरिटीज हैं तो वो दोबारा होना ही चाहिए। तो अब आप आगे क्या आपका रुख रहने वाला है, क्या कदम रहने वाला है, क्या नेक्स्ट वीक में आप एग्जाम वगैरह आप देंगे या आप नहीं देंगे एग्जाम? नेक्स्ट वीक में एग्जाम हो भी कहा रहा है, करवाए तब तो देंगे ना। हाँ, वो तो उन लोगों का हो रहा है जो 1563 बच्चे हैं। आपने अभी सही से देखा नहीं किस क्या डिसीजन आया? जी जी, मैं देख चुका हूँ, 1563 सिर्फ 1563 बच्चों के लिए उन्होंने बोला है। तो आप तो उससे अलग है। हाँ, आपका आगे कदम क्या रहेगा? मैं कहूंगा कि दोबारा से पेपर कराओ, तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं, चाहे कितना भी वक्त, हाँ कितना भी वक्त लग जाए, जब तक हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आता हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए और भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा सद्दाम मुशीर। सद्दाम जी, ये बताइए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि 1563 बच्चों का जो रीनीट होना है, उनका एग्ज़ाम दोबारा होना है, और उसके बाद जो 4 नंबर ग्रेस के दिए गए थे उन नंबर को हटा दिया गया है, 23 जून को ये पेपर होना है और 30 जून को रिजल्ट आएगा, आप कितना सही मान रहे हैं इसे? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि रीट एग्ज़ाम है वो दोबारा होना चाहिए, इसके अंदर धांधली हुई है, पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा एग्ज़ाम ही दोबारा होना चाहिए। आपको कहने का मतलब ये 1563 बच्चों के अलावा जो बाकी सब बच्चे उनका भी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, और हम चाहते हैं कि देश 24 लाख बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, और उन सभी को एक पारदर्शिता के साथ पुनः एग्ज़ाम करवा के उनको एक सुअवसर दोबारा प्रदान करना चाहिए। मुद्दा ये बताइए कि मुद्दा दोबारा एग्ज़ाम कराने का है या मुद्दा पेपर लीक का है? मुद्दा पेपर लीक का भी है, मुद्दा दोबारा एग्ज़ाम कराने का भी है। पेपर लीक का क्यों है? इसलिए है कि जो 605 के कट ऑफ में एडमिशन हो जाता था वो आज रैंक 22,000 पहुँची हुई है उस बच्चे की, तो पेपर लीक का भी मुद्दा है, और री एग्ज़ाम का इसलिए है क्योंकि जो बच्चे आज अच्छे नंबर लाकर फ्रॉडगिरी से कैसे भी तरीके से जो लीक हुआ है आज डॉक्टर बन जाएंगे, कल को वो देश के भविष्य को अंधकार में धकेलेंगे क्योंकि वे डॉक्टर ढंग से इलाज नहीं करेंगे। तो मांग पेपर दोबारा कराने की भी है और रहेगी, क्योंकि ढंग के डॉक्टर देश को चाहिए। आज के टाइम पे मेडिकल हेल्थ केयर की जो हालत है वो बहुत खस्ता है, उसका रीज़न ही सिर्फ यही है। देखिए और भी पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बच्चा भी नहीं पेपर दिया? आपके बच्चे कौन सा अटेम्प्ट था? ये जी चौथा अटेम्प्ट था। अच्छा ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो आरोप जो लगाए हैं एनटीए पे वो निराधार है, ऐसा हुआ ही नहीं कुछ। इसमें सर धर्मेंद्र प्रधान जी की ही साजिश है सारी, 20 से 50 लाख रुपए में एक सीट बिकी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सर पेपर लीक हुआ है जो, और जो अंदर ये पेपर जाता है हम जिसको मार्क करके देते हैं वो खाली छोड़ा गया और उसको अंदर जाके भरा गया एनटीए के, जो इतनी 30 से 35 हज़ार रैंक जो एक्स्ट्रा हुई है ना, रीजन ही है, पेपर भी लीक हुआ है, पटना पुलिस ने इसकी FIR दर्ज की है। बाकायदा इसमें जो इस पेपर लीक माफिया हैं वो 13 से 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जिस बच्चे को 4 तारीख को पेपर रटवाया गया है उस बच्चे के भी ये बयान हैं।
अच्छा एक चीज बताइए, आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, क्या वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है? नहीं, 1563 बच्चों से 24 लाख बच्चों का भविष्य नहीं बदला जा सकता जब तक दोबारा ये पारदर्शिता के साथ ये दोबारा पेपर नहीं करवाया जाता, जब तक कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये बच्चे थे और उनके माता पिता थे कि वो बता रहे थे कि 1563 बच्चों का जो दोबारा पेपर होने की जो बात की गई है उससे ये संतुष्ट नहीं है। इनका ये कहना है कि सभी जो तकरीबन 24 लाख बच्चे हैं उन सभी का जो है पेपर दोबारा होना चाहिए, खाली 1563 बच्चों का रीनीट लेने से इसका हल नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है उससे भी ये इत्तेफाक नहीं रखते, पेपर लीक हुआ है और उस पेपर लीक होने का जो मामला है उसको भी कंसिडर करना चाहिए और पूरा रीनीट जो है पेपर दोबारा होना चाहिए। एनटीए पे कई सवाल खड़े किए हैं और अब इनका ये कहना है कि जब तक पेपर दोबारा नहीं होता तब तक ये इसी तरीके से अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली लाइव, दिल्ली।